Hello students, so we were dealing with the chapter, the fundamental unit of life, and we had started the basic parts that make up the cell. The basic parts that make up the cell were cell membrane, cytoplasm, and the nucleus. We had already completed that what was the function of the cell membrane, and now we are going to deal with the function of the cell wall. Basically, why cell wall? Because cell wall basic parts of cell mein to nahi aata hai, but cell wall is something that is related to the cell membrane because it is the outermost covering of the cell membrane. So cell membrane ke baad hi aapko ye NCERT mein jo topic hai wo included hai. That's why we are dealing with cell wall. Okay. So some organisms have an additional wall like membrane that protects those organisms . This membrane is the cell membrane. Sorry, this membrane is the cell wall. Cell wall is present in all the, okay, I should write it with the different marker. Yeah. So, cell wall is present in all the organisms except in all organisms except the animals, except the animals and some members of Protista kingdom. घर की बात की थी मैंने, बोला था जो एक सेल होता है बेसिकली वो एक घर की तरह होता है जो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है किसी भी ऑर्गेनिज्म को, किसी भी बेसिकली जो घर होता है वो क्या करता है, वो फैमिली को प्रोटेक्ट करता है. वैसे ही जो सेल होता है, सेल बेसिक लाइफ स्ट्रक्चर फॉर्म करता है. एंड मैंने बताया था कि जो घर हैं, घर दो टाइप के हो सकते हैं. सम पीपल हैव अ डिफरेंट बाउंड्री, बेसिकली अ डिफरेंट बाउंड्री अराउंड देयर होम टू इंडिकेट दैट येस दिस इज देयर प्रॉपर्टी. इस प्रॉपर्टी को फर्दर चोर से प्रोटेक्ट करने के लिए या फिर फॉरनर से प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक जो है डिफरेंट फेंस लाइक वो बनाते हैं बाउंड्री. एंड वैसे ही आप बोल सकते हो कि सेल वॉल है, सेल वॉल इज आल्सो हेल्पफुल इन दिस. नाउ व्हाट इज द रूल? सेल वॉल मे बी प्रेजेंट और मे नॉट बी प्रेजेंट. जरूरी नहीं है कि सेल वॉल के बिना जो है लिविंग ऑर्गेनिज्म वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता, बिकॉज ऑफ कोर्स हमने देखा है कि एनिमल्स हैं, हम भी ह्यूमन बींग्स हैं, हमें कोई सेल वॉल नहीं है, बट जिनमें सेल वॉल है वो सेल वॉल के बिना नहीं सर्वाइव कर सकते. नाउ लेट अस रीड अबाउट दैट. दिस इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड दिस इज द सेल वॉल. सेल वॉल लाइज आउटर to the cell membrane. Okay. Role is protection is the role. Protection
and provide rigidity. रिजिडिटी क्या होता है? वॉट इज रिजिडिटी? रिजिडिटी मीन्स ये आवाज सुनी आपने, दिस मीन्स दैट दिस बोर्ड इज रिजिड, दिस वॉल इज रिजिड, दिस वॉल इज रिजिड, दिस स्टैंड लेक्चर स्टैंड बेसिकली इट इज रिजिड. ये आवाज कर रहा है, लेक्चर स्टैंड तो बना है वुड का, और वुडन जो भी सेल्स होते हैं दे आर हैविंग द सेल वॉल. इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड प्रोवाइड रिजिडिटी. इट helps the cell withstand harsh conditions. Plants है हर जगह पे present है. प्लांट्स कहां पे प्रेजेंट है? दे आर इवन प्रेजेंट एट द इन द वॉटर, दे आर प्रेजेंट इन द लैंड. तो ये क्या करते हैं, हर एनवायरनमेंट में बैक्टीरियाज भी प्रेजेंट होते हैं, प्लांट्स भी वॉटर के अंदर जब प्रेजेंट होते हैं. इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम श्रिंकेज. श्रिंकेज as well as swelling. It protects the cell from shrinkage as well as swelling. क्यों? क्योंकि ये cell wall है. This is the cytoplasm. Sorry. This is the cytoplasm. This is the cell membrane. Okay. हमने क्या पढ़ा था कि अगर सेल को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया जाए तो सेल क्या हो जाता है? श्रिंक हो जाता है. इन द केस ऑफ अ सेल विच इज हैविंग अ सेल वॉल, वो सेल श्रिंक हो जाएगा, लेकिन उसका सारे सेल कंपोनेंट्स यहाँ पे ऐसे इकट्ठे हो जाएंगे. सेल विल श्रिंक बट द कंपोनेंट्स ऑफ द सेल विल श्रिंक एट वन साइड, द सेल विल नॉट श्रिंक फ्रॉम द आउटसाइड. आउटसाइड से वो रिजिड रहेगा. वाई? बिकॉज ऑफ द सेल वॉल. दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ द सेल वॉल. दिस इज दैट हाउ इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड हाउ इट प्रोवाइड्स रिजिडिटी टू अ सेल. ओके, अब इसके बारे में और पढ़ते हैं. एंड द डायरेक्ट डिटेल्ड प्रोसीजर दैट इज नेम्ड एज प्लाज्मोलाइसिस. थर्ड रोल लिख लेते हैं उससे पहले. इट प्रिवेंट्स श्रिंकेज ऑफ द सेल. इट प्रोवाइड्स स्ट्रेंथ टू द सेल. It makes the plant cell turgid. Due to which, it makes the plant cell turgid, due to which it is able to survive inside the water, inside the aquatic condition. Inside the aquatic conditions. इसका क्या मतलब हुआ? एक एनिमल है, टेक एनी एनिमल. ओके, टेक एनी एनिमल लाइक लैम्प्रे या कोई मेरीन फिशेस हैं, कार्टिलेजनस फिशेस आर मेरीन,
है ना, वो कहाँ पे पाई जाती हैं, वो सीज एंड ओशंस में पाई जाती हैं। वाई, किसी का भी जो हैबिटेट होता है वो मैरीन या फ्रेश वाटर क्यों होता है, क्योंकि उनका सेल जो होता है ना, सेल की टोनिसिटी ही उस टाइप की होती है। वो फ्रेश वाटर में, फ्रेश वाटर उनके लिए हाइपोटोनिक हो जाएगा एंड अल्टीमेटली दे विल बर्स्ट अप। ओके, तो प्लांट्स में क्या होता है, प्लांट्स में बेसिकली सेल वॉल होती है एंड देयर कम अप अ टर्म दैट इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। क्या होता है प्लाज्मोलाइसिस में, देयर इज अ सेल वॉल, देयर इज अ सेल मेम्ब्रेन। बाहर अगर हाइपोटोनिसिटी है या हाइपरटोनिसिटी है, बाहर अगर हाइपरटोनिसिटी है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, क्या होगा, सेल में से पानी बाहर जाएगा पर सेल वॉल में से पानी बाहर नहीं जा सकता। सेल में से पानी बाहर जाएगा, सेल मेम्ब्रेन में से पानी बाहर जाएगा पर सेल वॉल में से पानी बाहर नहीं जा सकता। ड्यू टू दिस थिंग द होल प्रोटोप्लाज्म, बेसिकली होल सेल कॉम्पोनेंट्स, यहाँ पे पानी निकल जाता है सारा एंड दिस इज द श्रिंकेज ऑफ द सेल कॉम्पोनेंट्स, श्रिंकेज ऑफ सेल कॉम्पोनेंट्स एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस अब होता क्या है, प्लाज्मोलाइसिस की वजह से सेल श्रिंक नहीं होता, लेकिन सेल के जो कॉम्पोनेंट्स हैं इन साइड द सेल वॉल दे श्रिंक अप, वो श्रिंक हो जाते हैं और एक जगह पे, एक कॉर्नर ऑफ द सेल पे इकट्ठे हो जाते हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। अब इसकी लेबलिंग करते हैं, the water content is out, this is the water content jo bahar nikal gaya, this is the cell wall and this is the protoplasm, protoplasm and the cell content। protoplasm ke bare mein hum jab nucleus karenge to usme detail mein karne wale hain, cell content, this process is known as plasmolysis। When we place a plant cell in hypertonic solution, its cell components shrink at कॉर्नर, दिस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। दिस श्रिंकेज इज नोन एज, दिस प्रोसेस इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस। When we place a plant cell in hypertonic solution, होना क्या चाहिए था, सेल को श्रिंक, लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट है वो पानी को बाहर नहीं जाने देती, जिसकी वजह से जो सेल के सारे कॉम्पोनेंट्स हैं वो श्रिंक हो जाते हैं एंड इट इज प्लाज्मोलाइसिस। ठीक है, नाउ यू कैन सी दैट हाउ सेल प्रोटेक्ट, सेल वॉल प्रोटेक्ट द सेल इन अ हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपोटोनिक सोल्यूशन की भी बात कर लेते हैं, टर्जिडिटी वाली बात मैं आपको बताने वाली थी। प्लाज्मोलाइसिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आ जाता है बोर्ड्स में बहुत बार, तो इसको ध्यान से पढ़ो एंड ध्यान से लिखो, याद करो। ओके, कोई भी लाइन वर्ड इधर उधर हो जाता है ना तो गलत हो जाता है सब काम। ओके, नाउ दिस इज सेल मेम्ब्रेन, this is the cell, this is the nucleus, ठीक है, this is the proper nucleus। cell wall को किसी और color से draw कर देते हैं, this is the cell wall, this is the cell wall। now
अब हमने क्या किया, इसको प्लेस किया एक डिफरेंट एनवायरनमेंट में जहां पे क्या है, बहुत डाइल्यूट सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में प्लेस कर दिया तो क्या होगा, अब पानी क्या करेगा, अंदर जाएगा सेल के। सेल वॉल की वजह से पानी जो है अंदर जाएगा। देखो नॉर्मल एनिमल है अमीबा, अमीबा को आप प्लेस कर दो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर, उसके अंदर पानी चला जाएगा, पानी जाता रहेगा जाता रहेगा। अल्टीमेटली ये अमीबा क्या कर जाएगा, बर्स्ट कर जाएगा, ये अमीबा बर्स्ट कर जाएगा, फट जाएगा। ठीक है, आपको पता है ना कोई भी स्किन पे भी अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है जिसमें ज्यादा फ्लूइड फिल होता रहता है अल्टीमेटली इट बर्स्ट अप, ये बर्स्ट हो जाता है। बट प्लांट के केस में क्या हो जाता है, सेल टर्जिड हो जाता है। अब ये पानी अंदर चला गया, ठीक है, सेल वॉल क्या करेगी, पानी है जो वो भी प्रेशर लगाएगा, सेल वॉल है वो भी प्रेशर लगाएगी, इसकी वजह से सेल क्या हो जाएगा, टर्जर हो जाएगा, टर्गर बेसिकली टर्जर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रांग हो जाएगा उसमें पानी, जिसकी वजह से आपने देखा होगा इसको क्या बोलते हैं, इम्बाइबेशन बोलते हैं। जब बारिश का टाइम अब चल रहा है, बारिश के टाइम में जब भी दरवाजों के अंदर पानी भर जाता है, मॉइस्चर कैच कर लेती है वुडन जो विंडोज एंड डोर्स होते हैं, दे कैच अप द मॉइस्चर, जब वो मॉइस्चर कैच कर लेते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, टर्जिड बन जाते हैं। वो क्यों बन जाते हैं, वो बर्स्ट अप नहीं करते हैं ड्यू टू द सेल वॉल, बिकॉज सेल वॉल प्रोटेक्ट, सेल वॉल बर्स्ट नहीं होने देती सेल को, पानी अंदर खींच लेती है लेकिन सेल को बर्स्ट नहीं होने देती। जब सेल बर्स्ट करने वाली स्टेज में आता है ना, तो सेल वॉल भी क्या करती है, जो सेल कंपोनेंट्स है वो सेल वॉल पे प्रेशर लगाना शुरू कर देते हैं, इसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाता है, सिल जाता है, मतलब एक टाइप से, लेकिन वो बर्स्ट अप नहीं करता है। तो इस कंडीशन से हमें पता चल गया कि सेल वॉल है जो वो प्रोटेक्ट कर रही है हमारे ऑर्गेनिज्म को फ्रॉम श्रिंकेज एज वेल एज स्वेलिंग। श्रिंकेज से भी प्रोटेक्ट कर रही है और स्वेलिंग से भी प्रोटेक्ट कर रही है। नाउ व्हाट इज द कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल, सेल वॉल की कॉम्पोजिशन क्या है, सेल वॉल का रोल तो आपको पता चल गया। अब हम अगर बात करें कॉम्पोजिशन ऑफ सेल वॉल की, हमारे पास पांच किंगडम्स होते हैं, मैंने आपको बताया था पहले भी, वी हैव फाइव किंगडम्स, दीज किंगडम्स आर प्लांटे एनिमेलिया मोनेरा, प्लांटे एनिमेलिया मोनेरा, प्रोटिस्टा एंड बैक्टीरिया, सॉरी प्रोटिस्टा प्लांट एनिमिया एंड फंजाई, या इनमें से सिर्फ एक किंगडम है जिसमें सेल वॉल नहीं होती है, ठीक है, तो इसको एक्सक्लूड कर देते हैं, बाकी सब में सेल वॉल प्रेजेंट होती है। प्रोटिस्टा के सम ऑर्गेनिजम्स में सेल वॉल नहीं होती है, उनको हम एक्सक्लूड कर रहे हैं। तो अब हम बात करने वाले हैं कॉम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल।
So, composition of cell wall. Plantae, Monera, Protista and Fungi. प्लांटे के अंदर जो सेल वॉल होती है दैट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, सेलुलोजिक सेल मेम्ब्रेन. द सेल मेम्ब्रेन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, दिस इज सेलुलोजिक सेल मेम्ब्रेन. मोनेरा में इट डिफर्स, इट इज मेड अप ऑफ गैग प्रोटीन्स. That you will read up in detail in your higher classes. Basically, the gag proteins से बनी होती है. Hyaluronic acid भी होता है. Sometimes then glycocalyx. Glycocalyx is a protective layer. Outside to the cell membrane भी bacteria के पास एक glycocalyx की बनी हुई layer होती है, जो further उनको protect करती है. Protista. Protista में भी जो cell wall बनी होती है, that is made up of cellulose itself. But fungi. Fungi is the only phylum जिसमें सेल वॉल किसकी बनी होती है, काइटिन की. मतलब बेसिकली काइटिन, दिस इज काइटिन. ओके, मतलब बेसिकली जो सेलुलोज है वो बनाता है सेल वॉल को. बट इन द केस ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया इट वेरीज. बैक्टीरिया की तो दैट इज अ वेरी डिफरेंट प्रोडक्ट, एंड फंजाई की इज मेड अप ऑफ काइटिन. द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ काइटिन. ओके, नाउ हम बात करते हैं अबाउट न्यूक्लियस, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. न्यूक्लियस, फर्स्ट ऑफ ऑल द न्यूक्लियस इज नोन एज द ब्रेन ऑफ द सेल. Nucleus is known as the brain of the cell. It controls all the activities like formation of certain enzymes, reproduction and cellular division. Formation of enzymes, cellular reproduction and protein formation. These are the activities that are performed by nucleus. Now, nucleus ki definition. Definition of nucleus. Nucleus is a double membrane cellular organelle that is basically located in the center or near center. In the center or near the center of the cell. Nucleus is a double membrane cellular organelle that is basically located in the center or near the center of the cell. It is also known as the brain of the cell. It controls the activities like this. Now, nucleus consists of the genetic material. Is condensed and
can be seen as a dark body under the microscope. This part is known as nucleolus. Nucleolus, ठीक है? Nucleolus के बारे में हम कल को डिटेल में करने वाले हैं. That was the basic introduction of the nucleus. And आज हमने इस लेक्चर में क्या किया? We had dealt about the cell wall. What is cell wall? Why is it present? किन kingdoms में, किन organisms में present होती है? What is the composition of cell wall? What is the role of the cell wall? So we have done and basics of nucleus. That what is nucleus? Introduction to nucleus. In detail about the structure of the nucleus and the composition of the nucleus and the parts of the nucleus, the difference between the true nucleus and the false nucleus, a primitive kind of nucleus, hum kal ko karne wale hain. So that was all for today's topic. Okay students, I hope you liked it. Thank you.